हाय, मैं हुजमा खान। जायका अदली में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू की पकौड़ी। ये बहुत टेस्टी होती है और बारिश के मौसमों में खासकर बहुत अच्छी लगती है। चलिए देखते हैं। हमने कुछ सामान लिया है इसके लिए। हमने बेसन लिया है। बेसन मैंने यहाँ 2 कप भरकर लिया है। ये मैंने आलू लिए हैं। मैंने 3 आलुओं को इस तरह से बारीक काट कर लिया है। इस तरह से देखिए आप, बिल्कुल छोटा छोटा काट लिया है। 3 मीडियम साइज आलू काटे हैं ये। 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है। 1 टीस्पून मैंने रेड चिल्ली पाउडर लिया है, यानी लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है और 1 टेबल स्पून मैंने ये लिया है चावल का पाउडर। यानी कि आप सूखे चावल लेके मिक्सी में पीस लीजिए और उसका पाउडर बना लीजिए इस तरह से। तो मैंने ये 1 टेबल स्पून लिया है। यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज को काट कर लिया है इस तरह से बारीक। देखिए बिल्कुल बारीक काट लिया है इसे। और थोड़े से धनिया के पत्ते लिए हैं। 2 हरी मिर्चों को बारीक काट लिया है और 1/2 टीस्पून मैंने जीरा लिया है। चलिए बनाने की तरह चलते हैं। हम कैसे बनाना है हमें, अब देखिए। हमने जो बेसन लिया था, अब इसमें हम हल्दी डाल देंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है और लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, ये मैंने 1 टीस्पून लिया है। नमक डाल देंगे, ये भी मैंने 1 टीस्पून लिया है। और 1 टेबल स्पून मैंने चावल का पाउडर लिया, यानी कि चावल को बारीक पीस लिया है। 1 टेबल स्पून ये डाल देंगे और 1/2 टीस्पून मैंने जीरा लिया, ऐड कर देंगे ये भी। 2 हरी मिर्चों को बारीक काटा था, इन्हें ऐड कर देंगे। 2 मीडियम साइज की प्याज को बारीक काटा था, इसे भी ऐड कर देंगे इसमें। थोड़े धनिया के पत्ते, ये भी डाल देंगे। और हम पानी को डालते हुए इसे मिला लेंगे इस तरह से धीरे धीरे। हमारा पेस्ट जो है ऐसा बनना चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ा हो और ना ज़्यादा पतला हो। ज़्यादा पतला भी जाएगा तो ये हमारा जो पेस्ट है चावलों पे सही से लिपट नहीं पाएगा, मतलब चावलों में सही से चढ़ नहीं पाएगा। इसलिए हमें ऐसे बनाना होगा पेस्ट। अब बिल्कुल भी इसमें बबल्स नहीं आना चाहिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से मिलाएंगे इस तरह से। अब देखिए, आप देख सकते हैं मैंने इस तरह का पेस्ट बिल्कुल तैयार करा है इसका। देखिए ना ज़्यादा ठीक है, देखिए बिल्कुल सही है। और ऐसा करेंगे हम कि हमारे जो आलू हैं इसमें इसी टाइम ऐड कर देंगे, अच्छे से मिला देंगे आलूओं को, ताकि इसमें जो भी हमने सामान डाला है जैसे नमक है, हल्दी है, मिर्च, सब अच्छे तरीके से मिल जाए। इसे मिला देंगे इसे बिल्कुल आलूओं को। और देखिए मैंने आलूओं को अच्छी तरह से बेसन में बिल्कुल मिला दिया है, एकदम इस तरह से एकदम डुबो दिया आलूओं को। अब इसको एक साइड कर देंगे। अब देखिए मैंने फ्राई पैन ले लिया है और इसको मैंने गैस पर रख दिया, गैस को ऑन कर दिया है। अब यहाँ पे हम तेल ऐड करेंगे। हमको तो डीप फ्राई करना है ना, इसलिए थोड़ा ज़्यादा तेल लिया है मैंने यहाँ पर। अब इसको थोड़ा गर्म होने देंगे। अब देखिए हमारा तेल गरम हो गया है, इसमें अपनी पकौड़ी ऐड करेंगे। पकौड़ियों को अच्छी तरीके से बेसन में मिला मिक्स करके और डाल देंगे इसमें। इस तरह से डाल देंगे। फ्लेम को, अब देखिए मैंने यहाँ फ्लेम को बिल्कुल हाई रखा है ताकि हमारी पकौड़ी जो एकदम क्रिस्पी बनना चाहिए। अब इसको करीब 2-3 मिनट के बाद हम पलटेंगे, तब तक इसको फ्लेम हाई फ्लेम पे पकाएंगे इसको। अब देखिए हमारी जो ये पकौड़ियाँ हैं एक तरह से अच्छी तरीके से सिक गई हैं। अब इसको हम पलटेंगे। अब देखिए इस तरह से सारी पकौड़ियों को हम पलट देंगे इस तरह से। देखिए अब इस साइड से भी इनको करीब 3 मिनट तक हम अच्छी तरीके से पका लेंगे।
देखिए मैंने फ्लेम को बंद कर दिया, हमारे पकौड़ियाँ अच्छी तरीके से फ्राई हो गई है। इसको निकाल लेंगे एक स्टील के बर्तन में। देखिए मैंने फ्लेम को लो रखा है क्योंकि हमारा तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। अब इसमें और पकौड़ी ऐड कर देंगे। मैंने फ्लेम को लो रखा है, अब इसमें ऐड कर देंगे क्योंकि हमारा तेल बहुत ज़्यादा गर्म है इस टाइम, इसलिए मैंने हाई नहीं किया है। अब मैंने फ्लेम को दोबारा से हाई कर दिया। अब इसको करीब 2-3 मिनट तक पका लेंगे इस साइड से। अब देखिए ये हमारी जो पकौड़ियाँ हैं एक साइड से अच्छी तरीके से तल गई हैं। इसको हम पलट देंगे इस तरह से। हमारी जो पकौड़ी हैं ज़्यादा जलना नहीं चाहिए, बस हल्की सी सिक जानी चाहिए ताकि अच्छे तरीके से क्रिस्पी हो जाए और जले भी ना। इस तरह से हम सब पकौड़ी पलट देंगे। देखिए मैंने पलट दी। अब इसको भी करीब 2-3 मिनट तक अच्छी तरीके से पका लेंगे ताकि दोनों साइड से अच्छी तरीके से सिक जाए। मैंने देखिए मैंने फ्लेम को दोबारा से लो कर दिया है। अब हमारा जो ये पकौड़ी अच्छी तरीके से हो चुकी है, इसलिए मैंने लो कर दिया है फ्लेम को क्योंकि हमारा जो ऑयल है बहुत ज़्यादा गर्म है, इसलिए इसे निकाल लेंगे इस तरह से पिक करके। ये देखिए मैंने एक प्लेट में पकौड़ी सब निकाल लिए। अब अपने तेल में दूसरी पकौड़ियाँ ऐड करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे इस तरह से और पकौड़ी की। इसको भी इस तरह से ही पकाना है हमें जिस तरह वो पकौड़ी बनाई है। 3 मिनट तक मैंने फ्लेम को दोबारा से हाई कर दिया है। देखिए मैंने सारी पकौड़ियाँ इस ट्रे में निकाल ली हैं, आप देख सकते हैं ये बहुत टेस्टी है, बहुत क्रिस्पी बनी है। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हमें कमेंट करें। थैंक यू सो मच।